नमस्कार प्यारे बच्चों, आज है दिनांक 23/8/2021 और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 9th स्टैंडर्ड में, 9th H1 एंड H2 दोनों क्लास है इस समय, और 3rd चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है बहुपद। पहले हम लोग बहुपद समझ लेते हैं, बहुपद होता क्या है। देखो थोड़ा समझ लेते हैं बहुपद के बारे में। यहां पर देखो ये यहां p³ -1/2p² + p, यहां एक ये बैजिक व्यंजक दिया गया है, इसके बाद फिर कॉमा, ये दूसरा बैजिक व्यंजक दिया है, फिर एक कॉमा तीसरा बैजिक व्यंजक दिया है। अब पहले बैजिक व्यंजक में ये जो पहला बैजिक व्यंजक है इसके घात जरा समझ लो, घात क्या क्या है। घात किसको बोलते हैं, जो ऊपर जो नंबर होता है ना, जैसे यहाँ पी के ऊपर कौन सा नंबर है, 3 है, तो यहाँ पे एक पी का एक घात 3 हो गया। यहाँ पी के ऊपर कौन सा नंबर है, 2। यहाँ पर पी के ऊपर कौन सा नंबर है, कौन सा भी नहीं तो वहां 1 माना जाएगा, वहां पर क्या है 1, तो इसके घात क्या हो गए 3, 2 और 1। तो इसके घात क्या हो गए 3, 2 और 1। पहले घात ये सारी चीजें समझ लो बेटा, घात किसको बोलते हैं, चरांक किसको बोलते हैं, गुणांक किसको बोलते हैं, घाते घात समझ में आ गया। अब आगे देखते चलो, और ये जो अपना ये है दूसरा वाला जो व्यंजक दिया है इसमें m का घात कितना है, यहां m का घात कितना है, आप लोग बोलो बेटा तो ही आनंद आएगा आपको भी और मुझे भी पढ़ाने में। m के ऊपर कौन सा नंबर लिखा है, 2, तो यहां पर m का एक घात 2 हो गया। यहां पर n का घात हो गया 3, और यहां पर m का घात कितना घात है, m का घात है यहां 5, तो यहां पर घात क्या है 2, 3 और 5, तो यहां पर घात क्या हो गया 2, 3 और 5। अब हम लोग ये तीसरा जो हमको दिया है तीसरा व्यंजक 6 के बारे में देख लेते हैं। 6 के साथ में देखो सिर्फ 6 दिया है यहां पर, इसके साथ कोई चरांक नहीं है। जैसे यहां पर चरांक क्या था, चरांक पी था, यहां पर चरांक क्या था, एम और एन था। यहां पर कोई चरांक है क्या, कोई भी चरांक नहीं है, लेकिन हम इसके साथ चरांक लिख सकते हैं क्योंकि 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब होता है 6 × 1, है ना। 6 को हम लोग 6 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 6 को चरांक के साथ लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। तो 6 है, 6 मतलब 6 × 1 हो गया, और 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोई भी चरांक घाते 0, x घाते 0, को किसी के भी घाते 0 है तो 1 होता है वो, तो 1 के जगह पे x घाते 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहां चरांक का घात कितना हो गया, 0 हो गया। तो सिर्फ अगर नंबर दिया है, नंबर जैसे यहां इसके साथ ना तो m है ना तो p है, तो इसमें चरांक का घात 0 माना जाएगा। बात समझे कि नहीं, तो देखो ऊपर जितने भी व्यंजक हमने देखे सबके जो चरांक के घात है वो धन में थे, प्लस में थे, पूर्णांक थे, पूर्णांक का मतलब क्या, बटे में नहीं था कुछ भी। जितने भी घात हमने देखे सब सारे के सारे घात प्लस में था। जैसे ऊपर देखो पहला वाला जो हमने देखा सबका घात 3, 2 और 1 है, सब प्लस में है, सब धन में है ना, और पूर्णांक है, सबके सब पूर्णांक है यानी बटे में नहीं है। यहां दूसरे में भी जो घात थे सबके सब प्लस में है और पूर्णांक है, बटे में नहीं है। तीसरा जो देखा ये भी प्लस प्लस में तो नहीं है पर जीरो है,
तो इसका मतलब जब व्यंजक में चरान के घात धन हो, धन पूर्णांक हो या शून्य हो, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो वैजिक व्यंजक में चरान के घात पूर्ण संख्या हो उन व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। बात समझ में आई? बहुपद की शर्त, जितने भी घात हैं सब प्लस में होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, समझे बेटा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो भी मुझे बोलो बेटा, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है बता रहा हूं मैं। देखो मैं अपनी बुक में आपको समझाता हूं। पहली बात तो आप ये समझ लो कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे इस तरह की जो संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो अब देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि बहुपद किसे कहते हैं। तो एक ही शर्त यहाँ बताई गई है बहुपद होने के लिए कि जो भी चरांक हो, जैसे चरांक x हो तो उसका जो घात है वो पूर्ण संख्या ही होनी चाहिए। मतलब 0 भी चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा। तो किसी का भी घात अगर पूर्ण संख्या है, कोई भी वैजिक व्यंजक में चरांक का घात अगर इसमें से कोई भी संख्या है तो वह बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुपद। जैसे कि हमको उदाहरण में हमने देखा कि पहला हम वैजिक व्यंजक क्या था, p³ - 1/2p² + p। यहाँ पर घात क्या है? 3 है। इधर घात क्या है? 2 है। यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो 1 है। तो 3, 2 और 1 सब के सब पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो इसलिए बहुपद कहेंगे इसको। यहाँ सब के जितने भी घात हैं सब पूर्ण संख्या है इसलिए बहुपद है। दूसरा हमको क्या दिया था? दूसरा हमको ये वाला दिया था, ये m² + 2n³ और -√3m^5। यहाँ पर क्या है? घात कितना है? 2 है, 3 है और 5 है। 2, 3 और 5 ये घात है। तो ये सब पूर्ण संख्या हुआ या नहीं हुआ? देखो 2 पूर्ण संख्या में आता है, 3 भी पूर्ण संख्या में आता है, 5, 4 के बाद तो 5 मिलेगा ही ना हमको, 5 भी पूर्ण संख्या है। तो 2, 3 यहाँ पर भी ये तीनों जो घात हैं ये पूर्ण संख्या है इसलिए ये भी बहुपद है। फिर तीसरा बहुपद जो 6 दिया है, 6 तो कोई भी नंबर अगर दिया है तो उसको भी हम लोग बहुपद कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे घात 0 होता है। 6 का मतलब यहाँ चरांक का घात 0 हो गया। चरांक का घात कितना हो गया? 0। तो 0 भी पूर्ण संख्या है इसलिए ये भी बहुपद, ये इसको भी हम लोग बहुपद कह सकते हैं। तो बहुपद किसे कहेंगे? जब दिए गए व्यंजक के सभी घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। बेटा आप समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, तो ये बहुपद आप समझ में आ गया आपको कि जिस सभी घात जो है पूर्ण संख्या होने चाहिए। अब आप हम समझ लेंगे बहुपद के प्रकार कौन कौन से होते हैं। बहुपद के प्रकार उनके पद के अनुसार होता है। जैसे 2x एक ही पद हुआ, 5 एक ही पद हुआ, तो ये सब में एक ही पद है तो इसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, एक पद वाला बहुपद। यहाँ पर देखो जैसे ये वाला बहुपद देख लो, x² + x, तो इसमें पहला पद x^4 है, दूसरा पद x है, दो पद हुए ना इसमें। आप लोग बोलोगे सर यहाँ 2x है तो ये भी तो दो पद हुआ। ये 2x को हम दो पद नहीं एक ही पद मानेंगे क्योंकि बीच में प्लस या माइनस नहीं है। अगर बीच में प्लस या माइनस हो जाए तब इसे दो पद बोलेंगे।
कुछ समझ रहा है मेरी बात? तो 2x को एक ही पद कर गिना जाएगा, लेकिन अगर 2 प्लस x लिख दूं तो दो पद हो गया वो, तो ये भी एक पद, ये भी एक पद, तो इसको एक पदी बहुपद कहते हैं। यहां पर देखो x स्क्वायर प्लस x, तो दो पद हो गए, तो दो पद वाले बहुपद है, तो द्विपद। यहां भी देखो ये m स्क्वायर पहला पद, 3m दूसरा पद, दो पद वाला बहुपद है तो द्विपद। फिर यहां पर देखो ये दो बहुपद दिए गए हैं, एक y वाला बहुपद है, एक x वाला। तो y वाला बहुपद देखिए, ये देखो ये पहला पद हो गया, फिर बीच में माइनस है इसलिए दूसरा पद, फिर प्लस है इसलिए तीसरा पद, कितने पद हो गए? तीन पद, तीन पद है इसलिए इसे त्रिपद कहेंगे। यहां पर भी देख लो ऐसे ही, ये पहला पद, ये माइनस है इसलिए दूसरा पद, प्लस है ये तीसरा पद, एक दो तीन, तीन पद हो गए हैं तो इसलिए ये भी त्रिपद हो गया। तो सिर्फ एक पद है तो एक पद ही, दो पद है तो द्विपद, और तीन पद है अगर तो त्रिपद। पहचानना आसान है? पहचान लोगे कि नहीं बेटा आप लोग? हाँ, तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया कि बहुपद पहचानते कैसे हैं, उसके घात को देख करके। अगर सभी घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा। फिर बहुपद के प्रकार मैंने आपको बताया, एक पद वाला बहुपद है तो एक पदी, दो पद वाला बहुपद है तो द्विपदी, द्विपदी, तीन पद वाला बहुपद है तो त्रिपदी। बहुपद को दर्शाया कैसे जाता है? बहुपद को दर्शाने का तरीका देखो, जैसे कि ये वाला बहुपद, यहां पर सिर्फ x है ना, x वाला बहुपद है ये, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? p ऑफ x, p ब्रैकेट x है, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं? p ऑफ x पढ़ते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी बहुपद को इस तरह से दर्शाया जा सकता है, ऐसे p ऑफ x लिख दो। अगर x वाला बहुपद तो p ऑफ x लिख दो, m वाला बहुपद है तो q ऑफ m लिख दो, y वाला बहुपद है तो r ऑफ y लिख दो। जैसे यहाँ देखो ये बहुपद m में है तो इसे q ऑफ m लिख दिया, यहाँ पर ये वाला बहुपद y में है तो इसे r ऑफ y लिख दिया। आप समझ गए ना बेटा कैसे दर्शा सकते हैं हम लोग? अब अगली बात आप समझो, बहुपद का घात किसको बोलते हैं? किसी भी बहुपद में जो चरांक का सबसे बड़ा घात होता है वही उस चरांक का भी घात होता है, उस बहुपद का घात, सॉरी उस बहुपद का घात होता है। जैसे यहां पर सबसे बड़ा घात x का सबसे बड़ा घात क्या है? 7 है, तो इसलिए यहां बहुपद का घात क्या होगा? 7। बहुपद का घात क्या हो जाएगा? 7। अब देखो यहां पर सिर्फ 10 लिखा है, 10, तो मुझे बताओ यहां घात कितना होगा इसमें? 0, घात 0 होगा। ठीक है, तो इस बहुपद का घात यहां पे क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां बहुपद का घात क्या बोलेंगे? 0। कुछ समझ में आई बात बेटा? सिर्फ एक नंबर अगर लिखा हुआ है तो बहुपद का घात 0। क्यों 0? क्योंकि 10 का मतलब 10 गुणे 1, और 1 का मतलब x घाते 0, तो घात 0 आ रहा है ना, इसलिए घात 0। तो 10 की तरह कोई भी शून्य के अलावा कोई भी अगर अचर है, अचर यानी नंबर संख्या, 10 की तरह कोई भी शून्य के अलावा कोई भी अगर संख्या हो तो बहुपद का घात हमेशा 0 होता है, ये बात याद रखना। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। अब 10 की जगह पर अगर 0 लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए? 0, शून्य बहुपद। तो शून्य बहुपद का घात आप बता सकते हो क्या? शून्य, अगर शून्य लिख दूं मैं, क्या लिख दूं? शून्य, तो इसका घात हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्यों? क्योंकि शून्य, शून्य x घाते 0 करोगे तो भी शून्य आएगा,
शून्य एक्स घाते वन करोगे तो भी शून्य आएगा, शून्य एक्स घाते टू करोगे तो भी शून्य ही आएगा, क्योंकि जीरो गुणे कुछ भी करोगे जीरो ही होता है। तो यहाँ पर घात बता सकते हैं क्या, घात क्या हो, कुछ निश्चित है क्या यहाँ पर? नहीं। तो अगर कोई शून्य बहुपद है तो वहां पर घात निश्चित नहीं किया जा सकता, घात नहीं बता सकते। शून्य के अलावा कोई भी नंबर है, सिक्स है या टेन है, फाइव है, फोर है, कोई भी नंबर है, तो वहां पर घात जीरो होता है। लेकिन अगर जीरो है तो फिर घात नहीं बताया जा सकता, घात नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि उसके साथ चरांक का कौन सा घात रहेगा कुछ पता नहीं है। बात समझ में आई? हाँ। अब यहां पे देखो एक उदाहरण दिया है, यह दो चरांक वाला बहुपद है, इसमें दो चरांक है, देखो m भी है और n भी है, m n, दो चरांक वाला बहुपद है। अब इस बहुपद का घात कैसे निकालते हैं? जैसे यहां पर घात दोनों को प्लस कर दो, 3 + 6, 3 + 6 9, यहां पर घात क्या आएगा? 2 + 3 तो बताओ ना बेटा, ऐसा चुप क्यों हो? टू प्लस थ्री फाइव, यहां पर घात हो गया 5, यहां पर घात कितना होगा? एम घाते 1, एन घाते 1, टोटल घात कितना हो गया यहां? 2 हो गया। तो यहां घात 2 है, यहां घात 5 है, यहां घात 9 है, तो सबसे बड़ा घात कौन सा हुआ? 9 हुआ। इसलिए यहां पर बहुपद का घात क्या हो गया, हो जाएगा, बहुपद का घात 9 है, ऐसा कहा जाएगा। बात क्लियर हुई? हाँ। तो अब हम लोग चले 3.1 की ओर चले। यहां पर क्या दिया, निम्नलिखित व्यंजक बहुपद हैं क्या, लिखिए और स्पष्टीकरण भी दीजिए, हैं तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं। तो मैंने आपको एक ही कारण बताया था कि जो बहुपद के घात हैं, बहुपद के व्यंजक के जो चरांक के घात हैं वो पूर्ण संख्या होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पहले का पहला क्या दिया है, y प्लस 1/y, तो y प्लस ये बटे, इसको हमको सीधा एक रेखी लिखना पड़ेगा, बटे को ये 1/y है तो इसको हम लोग y रेस टू माइनस 1 लिख सकते हैं, ये घातांक का नियम है, जानते हो ना, यहाँ y घाते 1 है, इसको आप ऊपर लोगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर y का घात 1 है और ये माइनस 1 है, तो क्या दोनों घात पूर्ण संख्या है क्या? यहां चरांक के घात क्या मिल रहे हैं, इधर 1 है और दूसरा वाला क्या है, माइनस 1 है, ये दो चरांक के घात हैं 1 तथा माइनस 1, इन ये क्या ये दोनों पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, मैंने आपको बताया था किसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे जो भी नंबर्स आते जाते हैं एक के बाद एक, वो सब पूर्ण संख्या है। तो क्या माइनस 1 आता है क्या गिनती में? नहीं। तो यहाँ माइनस 1 पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये जो दिया गया व्यंजक ये बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। एक ही पहचान है क्या, पूर्ण संख्या, जो घातांक है चरांक के जो घात हैं
वो सब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दूसरा क्या दिया, देखो दूसरा देख लेते हैं, टू माइनस, दूसरा क्या, टू माइनस पाई रूट एक्स, टू माइनस पाई रूट एक्स, तो देखो यहाँ टू है तो टू का मतलब क्या हुआ, टू एक्स घात जीरो हुआ, और माइनस फाइव रूट एक्स का मतलब क्या होता है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स घाते एक बटे दो, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स घाते एक बटे दो। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे घात क्या क्या हो, घात कौन कौन से हैं, एक घात जीरो है और दूसरा घात क्या है, वन अपॉन टू है। तो अब मुझे बताओ क्या ये पूर्ण संख्या है क्या दोनों, नहीं है, कौन सा नहीं है, जीरो तो पूर्ण संख्या है लेकिन एक बटे दो पूर्ण संख्या नहीं है, एक बटे दो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब जीरो और जो गिनती व गिनती वाली संख्याएं हैं जो हम लोग गिनते हैं कोई चीज गिनने के लिए जो संख्या यूज करते हैं वो सब पूर्ण संख्या होती है। तो वन अपॉन टू हम लोग गिनती में थोड़ी आती है, कोई चीज गिन रहे हैं तो वन अपॉन टू नहीं बोलते ना, एक दो तीन चार ऐसा बोलते हैं। तो वन अपॉन टू पूर्ण संख्या नहीं है, गिनती की संख्या नहीं है ये, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तीसरा देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस नाइन तीसरा, तो सारे घातांक देख लेते हैं, यहाँ चरांक क्या है x है तो x के घातांक लिख देते हैं। चलो यहाँ पे एक घात क्या है, दो है, यहाँ पे दूसरा घात x का घात क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो वन रहता है, वन x का घात यहाँ पे वन है, तथा ये नौ है तो x का घात कितना होगा यहाँ, नहीं बेटा जब यहाँ x है ही नहीं तो मतलब x का घात जीरो हो गया, मतलब x घात जीरो यानी जीरो, तो x के घातांक क्या हो गए, दो है इधर वन है इधर जीरो है, तो टू वन तथा जीरो है। क्या ये पूर्ण संख्या है, हम लोग गिनते हैं कोई चीज गिनती गिनते तो एक आता है कि नहीं आता गिनती में, गिनते हैं तो गिनते ना, एक दो तीन चार एक से ही तो स्टार्ट होती ना गिनती, तो एक गिनती में आता है तो पूर्ण संख्या हो गया, दो गिनती में आता है तो दो भी पूर्ण संख्या हो गया, और पूर्ण संख्या का सबसे पहला नंबर तो जीरो ही है तो जीरो भी पूर्ण संख्या है, तीनों पूर्ण संख्या है इसलिए यह बहुपद है ना, तीनों घातांक पूर्ण संख्या है इसलिए यह बहुपद है। चौथा देख लो, चौथा तो डायरेक्ट ही बता देता हूं मैं, चलो यहां पे घात क्या है माइनस टू, यहां पे घात क्या है बोलो ना बेटा, जैसे यहां सेवन एक्स था तो मैंने घात क्या बोला था, वन बोला था, तो यहाँ 7m है तो m का घात कितना हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर m का घात कितना, 0 हो गया, 0 हो गया, तो सारे घात कौन कौन से हुए, माइनस टू वन और 0, क्या ये तीनों पूर्ण संख्या है, नहीं माइनस टू पूर्ण संख्या नहीं है, वन और जीरो पूर्ण संख्या है, माइनस टू पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये व्यंजक नहीं है। फिर अगला सवाल देखो, दस, तो यहां चरांक का घात कितना होगा, जीरो होगा, तो जीरो पूर्ण संख्या है इसलिए जो दस यह बहुपद है।
बात समझे? तो आज के लिए इतना ही बेटा, सिर्फ आज आपने ये सीखा कि बहुपद किसे कहते हैं, कैसे पहचानना है कि बहुपद दिया गया व्यंजक बहुपद है अथवा नहीं। तो लेक्चर यहीं पर स्टॉप करता हूँ। 3.1 का जो पहले के ये जो पांचों सवाल है करके रखिएगा आप लोग, यही आपका होमवर्क है। कितने लोग अटेंड किए हैं लेक्चर आज का? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10, बहुत कम है बेटा। ये दो क्लास मिलके 10 हो रहा है, मतलब बहुत कम है। ठीक है, लेक्चर यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। आप लोग एक एक करके लेफ्ट